हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रामनवमी आने वाली है, तो आई थिंक संडे को रामनवमी है। नहीं, कब है रामनवमी? ट्यूजडे ट्यूजडे वेडनेसडे में पड़ेगी। ट्यूजडे से शुरू हुए ना, इस बार 9 दिन पूरे हैं। अच्छा, 30th को रामनवमी है और उस दिन बृहस्पतिवार है और उस दिन हमें सेवा नहीं मिलेगी ड्रेसिंग की। ऐसा लगता है हमें भगा दिया जाएगा, लेकिन हम सेवा करेंगे, हम लड़ेंगे सेवा के लिए। ओके, रामनवमी थर्सडे को है। अरे वाह, राम जी प्रकट हो रहे थर्सडे को, तब तो जरूर देखते हैं क्या होता है। ओके, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत क्लास में आने के लिए। तो भगवद्गीता हमें पढ़ना है, 6th chapter, श्लोका नंबर 33 स्वयं रूप कदामयम् ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज भगवत गीता की जय, आने वाली राम नवमी की जय। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो वेलकम यू ऑल इन द क्लास, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड उत्साह बना के रखिए, क्योंकि कौन किसकी विजय दशमी आने वाली है, राम जी की। और राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही भगवान हमारे अनर्थों को शमन करें ताकि हम निष्ठा लेवल की भक्ति कर सके, है ना। तो जैसा आपने देखा ध्यान योग में, अभी तक भगवान जो है अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, ये करोगे तो ऐसे स्थित हो जाओगे मुझ में, ऐसा योगी होता है, ऐसे ध्यान करना चाहिए, समाधि में तुम कैसे रह सकते हो, है ना। ये सब भगवान जब बता रहे थे तो अर्जुन को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि अभी तक अर्जुन कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, ज्यादा बोल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में था। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन किए हैं उसने, लेकिन वो ज्यादा बोल नहीं रहा है। अभी उसने फिर से क्वेश्चन पूछा, जब ध्यान योग के बारे में भगवान ने बोला तो उसको बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे समाधि में रहना चाहिए, ऐसे सीधी पीठ करनी चाहिए, आईब्रो के बीच में अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए। तो देखिए अब अर्जुन का रिएक्शन क्या होता है भगवान के लिए। जो अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, आप अर्जुन को कोई साधारण व्यक्ति मत समझिए, यह अर्जुन जो है फर्स्ट क्लास जीव है। क्योंकि भगवान को जब नॉलेज देना था तो उन्होंने अर्जुन को चूज किया, है ना, याद है आपको। जबकि उस एरा में बहुत से लोग थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, है ना, युधिष्ठिर थे, बहुत से ऐसे लोग थे, है ना। लेकिन भगवान ने किसको चूज किया भगवद गीता बताने के लिए? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन भगवान का सखा भी था और साथ में मित्र भाव रखता था, है ना, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव सजातीय था अर्जुन। हम किसी को कॉन्फिडेंशियल नॉलेज किसको बताते हैं? नरसिंह स्थिति कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बहुत किसको बताओगे आप? जो हमसे सबसे ज्यादा क्लोज होता है, जो हमको सबसे ज्यादा क्लोज होता है, है ना, मित्र, मित्रवत होता है और हमारी बातों को समझता है। ये नहीं कि हम बोल रहे थे कि आप ही ऐसे थे अब उनको कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अपनी नहीं बताओगे, आप किसको बताओगे? जो कि आपकी बात को समझते हो, आपको समझते हो। तो अर्जुन ऐसा ही था, है ना, और वो हमेशा किसी कोई भी अवस्था रहे वो भगवान को ही चयन करता था। तो अभी अर्जुन ने कहा, यो अयम योगत योगत्वया प्रोक्ताम सांभे मधुसूदना एतास्माम च पश्यामि चंचला स्थितम अस्थिराम। हरे कृष्णा। कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए क्या है? अव्यवहारिक
तथा असहनीय है। क्यों? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है, ठीक है ना। मन जो है वो क्या है? चंचल और अस्थिर है। यस, पढ़िए गोलोकेश्वरी, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदेश से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। हाँ, थैंक यू। तो देखिए कितना बोल्डली श्रील प्रभुपाद कोई स्टेटमेंट रखते हैं, राइट? श्रील प्रभुपाद क्लियरली अर्जुन से एग्रीड है और अपना स्टेटमेंट लास्ट में क्या कह रहे हैं? समय गवा रहे हैं जो लोग योगा पे लगे हुए हैं। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग कि किस तरह से लोगों को ये चैलेंज कर रहे हैं अर्जुन के कथन से कि हम आज मॉडर्न एज में देखिए, क्योंकि हिपोक्रेसी का कलयुग क्या है? हिपोक्रेसी है ना, दिखावा, दंभ, ये सब का युग है कलयुग, है ना। तो इसमें वो चीजों को बहुत मान्यता मिलती है या बहुत पॉपुलर होती है जिसमें कि दंभ होगा, दिखावा होगा, उसमें कोई ऑथेंटिक सब्सटेंस नहीं होगा, समझ रहे हैं? कोई मूल्य नहीं होगा, उन चीजों के पीछे बहुत ज्यादा लोग जो है आकर्षित रहेंगे। उसमें से योगा भी एक है। योगा को लोग कैसे लेते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के, है ना। योगा को भी कैसे लेने लगे लोगों को? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। न कि योगा का मतलब ये है कि हम भगवान के साथ अपना रिलेशन जो है वो ठीक करें। गॉट द पॉइंट? योग का मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने का मतलब होता है कि भगवान के साथ अपने रिलेशन को हम ठीक करें। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर्पस के लिए हम जो है वो नहीं जाते भगवद्गीता, भगवद्गीता को इस पर्पस के लिए हम अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम भगवद्गीता को किस लिए अटेंड कर रहे हैं? भगवद्गीता में बताया गया योगा को हम कैसे अटेंड करें? केवल फिटनेस के लिए, केवल फिटनेस का एक साइड बन के योग रह गया। इसलिए योगा का जो पर्पस नहीं होने के कारण प्रभुपाद ने योगा को क्रिटिसाइज नहीं किया। आप समझिए, योगा इज ऑल्सो ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक मार्ग है, लेकिन उसका लक्ष्य जब क्लियर नहीं है, उसके लक्ष्य को जब हम डिनाई करके अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा देंगे, तब प्रॉब्लम है, है ना। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जो है, अब अर्जुन के बता रहे कि अर्जुन, जैसे मैंने अभी बताया, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, है ना। उसको सारी सिद्धियां प्राप्त थी, है ना। वो सूक्ष्म वेपन्स चला सकता था, और वो कैसा था कि वो देवताओं के लोक में ये सशरीर चला जाए। स्वर्ग जो है
अर्जुन स्वस्वरीर चला गया। हम देखे एक प्लैनेटरी सिस्टम से दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम नहीं जा पा रहे, है ना। साइंटिस्ट लोग कितने परेशान है, है ना, चंद्रमा पे जाके आए, लेकिन वो पता है कि वो चंद्रमा पे गए नहीं, सब अनऑथेंटिक चीजें हैं। मंगल पे है, ये है, वो है, रिसर्च करके आते, कुछ मिलता नहीं, ऐसा थोड़ी है, है ना। यानी वो जा नहीं पा रहे। तो अर्जुन दूसरी तरफ आप देखिए हर तरह से इतना ज्यादा सुविधाएं उसके पास हैं जो आज के युग में हमारे पास नहीं। वो अर्जुन जब भगवान के लिए सुन रहा है कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, पीठ सीधी रखनी चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, नाक भौं के अग्रभाग बीच में केंद्र करना चाहिए, नाक के अग्रभाग में अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए, अर्जुन कह रहा है भगवान प्लीज प्लीज बस कीजिए, बीच में ही रोक दिया, भगवान बस कीजिए, ये नहीं हो सकता। आप मुझको जबकि वायु में कहिए कि बस बस, जो कि वो भी इतना इजी नहीं है ना, वायु को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन कहता है मैं वो कर लूंगा। लेकिन ये जो माइंड कंट्रोल करने का जो फॉर्मूला बता रहे हैं योग सिस्टम के थ्रू, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो। और इस तथ्य से श्रील प्रभुपाद भी पूरी तरह सहमत थे। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद जो है लेक्चर दिए हैं न्यूयॉर्क में इसी श्लोक पर 1966 में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं माई डियर कृष्णा, आई थिंक दैट समरी ऑफ योगा सिस्टम विच यू हैव प्रिस्क्राइब इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड एजिटेटेड माई माइंड। माइंड को कंट्रोल करने के लिए योगा बता रहे हैं, और अर्जुन कह रहा है कि ये जो पद्धतियां बता रहे हैं इससे तो मेरा मन और विचलित हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चंचला वता, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंड भगवान इतना चंचल है, एक सेकंड में इधर, एक सेकंड में इधर, अंदर कुछ हम सोच रहे, बाहर से तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन अंदर से कंट्रोल नहीं होता है, है ना। तो सारा कुछ चल रहा होता है, और आप कह रहे हैं कि वी ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर मटेरियल सर्कमस्टेंसेस वेयर एट द मोमेंट अवर माइंड कैन बी एजिटेटेड, वी आर नॉट इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, वी आर थिंकिंग दिस इज सिचुएशन विल सेव मी फर्दर एंग्जाइटी ऑफ द माइंड, but when I reach that point that I feel the anxiety have increased because the nature of the material world is like that, you cannot free from anxiety. अर्जुन कह रहा है हम लोग anxiety के युग में रहते, एक एक क्या एक साथ चार पांच चीजें हमारे ऊपर अटैक करती हैं, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, सभी एक साथ आते हैं, भूकंप भी आता है, नींद भी आती है, है ना, मच्छर भी काटते हैं, कोरोना फिर से वापस आ जाता है, सब सर्दी में रहते हैं, साथ में सारी क्लासेस भी होने वाली है, और महाराज भी आने वाले हैं, सब कुछ होने वाला, बारिश भी हो रही है, तो हमें सब कुछ करना है, है ना। फिर कहेंगे माता जी मेड्स भी नहीं आ रही, काम भी खुद ही करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता का जो बातें हैं, अर्जुन कह रहा है कि आप कह रहे हैं हम लोग एंजाइटी के बीच में रहते हैं, और आप कह रहे हैं भगवान की हम एंजाइटी से फ्री हो जाएंगे, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड रास्ता बता रहे हैं। कौन इतना कंसंट्रेशन कर सकता है, है ना। तो भगवत गीता का 33 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, और यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान का नाम दिया है मधुसूदन। देखिए जब अर्जुन को भगवान किसी नाम से पुकारते हैं, और या अर्जुन भगवान को किसी नाम से पुकारता है, तो उसके पीछे रस होता है। कृष्ण नहीं बोल के मधुसूदन बोल रहा है यहाँ पे अर्जुन, क्यों बोल रहा है, क्योंकि मधुसूदन का मतलब होता है, मधुसूदन मीन दैट ही किल द डीमन हुज नेम इज मधु। सो व्हाट इज पर्पस ऑफ अर्जुन एड्रेसिंग कृष्ण एज मधुसूदन, ही कुड हैव एड्रेस्ड हिम डायरेक्टली एज कृष्ण बिकॉज ही इज द बेस्ट नोन एज कृष्ण एज अ फ्रेंड, कृष्ण एंड अर्जुन, व्हाई ही से मधुसूदन, दैट मीन दैट द माइंड इज लाइक अ बिग डीमन जस्ट लाइक मधु, इफ it were possible to kill this demon then we could attain yoga, you are the killer of Madhusudan, I think that my mind is strong than this madhu demon and so if you can kill it then it is possible for me to accept this yoga system. kya bata rahe hain, arjun keh rahe hain bhagwan aap to madhusudan hai kyunki madhu namak rakshas ko aap hi ne mara tha aur kisi ke andar itna bal nahi hai ki wo maar sake, तो मेरा माइंड तो इतना ज्यादा चंचल है, इतना ज्यादा परेशान रहता है, हमेशा एंजाइटी में रहता है, और अगर इसको शांत या समाधि, जो आप वर्ड यूज करें कि आपको आपकी आपकी भक्ति करता रहे हमेशा, ऐसा अगर बनाना है, और उसके लिए आपने जो योगा सिस्टम बताया है इसके थ्रू तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी होगा आपकी भक्ति करने से ही माइंड शांत होगा, लेकिन ये योगा सिस्टम तो बहुत बेकार मार्ग है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो माइंड एजिटेटेड है, ऊपर से आप कह रहे कि बैठ जाओ,
श्वास को रोको, साधना लगाओ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम कर नहीं सकते। ये मटेरियल जगत जो है इसमें एजिटेशन चारों तरफ है। 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, 15-20 मिनट तो ध्यान क्या लगाएंगे। मान लीजिए बैठ भी जाए, श्वास भी रोक ले, कंसंट्रेशन कितनी देर तक बना रहेगा। 24 आवर आप समाधि में रहने के लिए कह रहे हैं, 24 आवर हम कहाँ बैठ पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मधुसूदन हैं और आप भी वध कर सकते हैं, तो कुछ और मतलब रास्ता बताइए। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये। फिर अर्जुन और इसको इलैबोरेट कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में 34 में। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बल वदृढ़ तस्या अहम निग्रहम मन्ने वायुरिव दुष्कर। यस पढ़िए प्रिया, पढ़िए। इंग्लिश इंग्लिश यू हैव इंग्लिश ओके। नरसिंह स्तुति माता जी आप पढ़िए 34। हरे कृष्ण। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्व में से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.3.4 में कहा है, माताजी यू आर म्यूटेड। आत्मानं रथिं विधिं शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथि विधि मनः प्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहु विषयार्थेषु गोचरान् आत्म इन्द्री मनोयुक्तं भक्ते आहु मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसा प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्च श्रृंखला मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सर्वे मना कृष्ण पादार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहीं पर अर्जुन जो है सेम वही बात कर रहा है कि भगवान इतना चंचल है मन, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम। और अगर चंचल है मन, एक तो आप मन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं और दूसरा साधन आप योगा बता रहे हैं। मान लीजिए हम कंट्रोल तो करना ही है और बिना आपकी भक्ति में लगे तो होने वाला भी नहीं है, लेकिन योग के थ्रू जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। क्योंकि जिस जगह में रहता हूँ इतना एजिटेटेड स्टेज है, उसमें हम मन को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते। तो अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा, द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ दिस योगा इज कंट्रोल द माइंड। द एजिटेटेड माइंड हैज बीन कंट्रोल्ड ऑन एज द फोकस ऑन सुपर सोल। The mind is so agitated that cut down the mind is impossible as stopping the hurricane. So Krishna, यहाँ पे फिर आगे बताते हैं कि you can just imagine the qualification of the Arjuna. 5,000 years ago, he understand Bhagavad Gita from his friend Krishna, and he direct friend of Krishna's and a great warrior, comparing his knowledge to our Bhagavad Gita knowledge. We have understood that. The moment what we can understand, he understood whole Bhagavad Gita by 1.5 time of 1 hour,
बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वन परपोर्ट. सो इंटेलिजेंटली अर्जुन इज सो इंटेलिजेंट एंड ही वॉज सो ग्रेट वॉरियर एंड ही इज सेड दैट इट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल माइंड बाय द प्रोसेस ऑफ योगा बट कलियुगा यू जीवा कैन इजिली क्लेम दैट यस थ्रू योगा माता जी मेडिटेशन आई कैन गो फॉर मेडिटेशन इज फॉर रियली हेल्पिंग मी राइट गोलोकेश्वरी इट्स फॉर रियली हेल्पिंग मी माता जी ना एंड कलियुगा जीव कैन से ओहो इट इज सो इजी योगा प्रोसेस यस भक्ति चैंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट हरे कृष्ण मामन चैंटिंग इज सो डिफिकल्ट माता जी इट्स सो इजी फॉर मी बिकॉज आई गो फॉर मेडिटेशन फिर हम चैंटिंग करेंगे मैं हमारा मन लगेगा और अर्जुना जो कि हमसे ग्रेट स्टेज में है हर तरह से वो कह रहा है अरे भैया मैं वायु के वश में कर सकता हूँ लेकिन इस तरह से ये योगा सिस्टम जो आप बता रहे इससे वो भी माइंड को कंट्रोल कर रहा मेरे बस की तो बात नहीं है. तो प्रभुपाद यहाँ पे हंस रहे हैं और एक बंगाली बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे कि क्या होता है कि जैसे कि वही बात होती है कि नदी में बहुत बहुत तेज बाढ़ आई है तो उसका जो वेग है वो बहुत है तो क्या हो रहा है कि लोग जो है मतलब नाव भी नहीं पार हो पा रही है ये भी नहीं हो रही है. लेकिन कभी कभी अगर स्लो बाढ़ आती है तो क्या होता है देखते हैं कि आप जानवर भी तैर तैर के किसी तरह से चले जाते हैं कुत्ता है घोड़ा है तैर के उस पार चला जाता है. लेकिन जब तेज करंट है या नाव भी बह जा रही है और घोड़े भी बह जा रहे हैं कोशिश किया बहुत से जानवरों ने पार कर वो भी बह चले जा रहे हैं उसी समय एक लंगड़ा घोड़ा आगे कहता है ये करंट कितना है क्या मैं इसको पार कर सकता हूँ. तो कलयुग के लोग ऐसे उस लंगड़े घोड़े के कहते हैं कि मैं इसको पार कर सकता हूँ. सो इफ समथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर अर्जुना who was so advanced in ever respected direct as a friend of krishna then how it is possible for us it is a simple question to understand but how fool we are Prabhupada kare kitna chhota sa baat hai arjun treta yug mein keh diya bhaiya krishna aap jo yoga system bata rahe hain iske through jo aap bhakti process 24 hour samadhi mein rehne ko keh rahe hain ye mere se to nahi ho sakta. लेकिन कलयुग के लोग क्या कह रहे हैं जहाँ की युग धर्म हरि नाम है वो योगा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम क्योंकि उनका पर्पस क्या है देहात्म बुद्धि देह को फिट रखने की बुद्धि है वो योगा से मन को नहीं ट्रेंड कर रहे हैं टेम करने जा रहे हैं ना ही भगवत धाम जाना उनके लिए एम है. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि योगा इज द बेस्ट प्रोसेस ये हरि नाम ये चैंटिंग नहीं हो सकता चैंटिंग करने का हमारे पास टाइम नहीं. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ए ह्यूरियन इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंट्रोल माय माइंड दे देन हाउ वी कैन कंट्रोल द माइंड इन कलयुगा थ्रू द योगा प्रोसेस. प्रभुपाद ने ये लेक्चर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग जैसे कलयुगों का जीव का कैसे हो सकता है नियंत्रण. तो इसी परपोर्ट में श्री प्रभुपाद की एक शैली है. श्री प्रभुपाद नॉट ओनली रेज द प्रॉब्लम बट ही आल्सो गिव द सॉल्यूशन. आप कभी भी देखेगा प्रभुपाद का मतलब हंगामा क्रिएट करना नहीं होता है कि हाउ क्रिटिकल सिचुएशन वी आर जैसे कि आप देखते हैं टीवी पर ओहो सारी चीजें नकली बिक रही हैं दूध नकली पैकेट में आ रहा है कृपया मत पीजिए सब्जियां नकली हो गई हैं फ्रूट्स में इंजेक्शन लगा के दिया जा रहा है पूछो क्या खाएं उनसे पूछो ठीक है सब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है करे क्या हम तो एवॉक सिचुएशन में आ जाते हैं फिर करे क्या वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन हमें केवल हंगामा करना है. लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं. प्रभुपाद का विजन जो है कंपैशन का है एंड श्री प्रभुपाद संत है और ऑथराइज्ड वे में उन्होंने दीक्षा ली है तो उनको फुल नॉलेज है भगवान के बारे में इसलिए वो केवल हंगामा क्रिएट नहीं करते वो हमें पहले हमारी स्थिति बताते हैं कितने डेंजरस स्टेज में हम हैं और फिर उसके बाद वो सलूशन देते हैं. उनका सलूशन ऐसा नहीं होता जैसे नेता लोग सजेशन दे देते हैं सब ठीक हो जाएगा है ना सब कुछ अच्छा ही चल रहा है जो भी सजेशन देते हैं कि उसका लिखित या व्यवहारिक उपयोग नहीं होता ऐसा नहीं. प्रभुपाद ऐसा सलूशन देते हैं जो व्यवहार में वो खुद करके दिखाते हैं
स्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट करके उन्होंने अपने डिसाइपल के थ्रू दिखाया भी, तब वो बोलते हैं इस तरह से इसका पालन किया जा सकता है। यानी श्री प्रभुपाद प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के साथ वो एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, दिखाते भी हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो उनका जीवन कैसे है, ताकि इजिली उसको कर सके। और वो उस तरह इस तरीके से बताते हैं कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बहुत आराम से कर सकते। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का एक एग्जाम्पल बताया कि इस युग का जो युग धर्म है, या किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में समाधि में रह सकते हैं 24 आवर्स, वो है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना, है ना। और फिर उन्होंने बताया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया चैंटिंग के बारे में। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, है ना। मन जो है इसे भगवान का स्मरण करते थे, है ना। देखे नाक से वो भगवान के पुष्प जो चढ़ाए गए पुष्प तुलसी को सूंघते थे, शरीर से जो है सेवा करते थे, देखे, है ना। एग्जाम्पल दिया शास्त्र का, फिर एग्जाम्पल देने के बाद बोल रहे हैं ऐसा कर इस भक्ति करने के द्वारा इस कौन में एस्टैब्लिश जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो चैंटिंग है उसको कर रहे हैं भक्त, आप देखिए। और वो चैंटिंग करने से क्या हो सकता है, हमारा मन बड़े आराम से भगवान के बारे में 24 घंटा चिंतन कर सकता है। और ये कोई भी स्टेज में रहकर, किसी भी आश्रम में रहकर कोई भी कर सकता है। उसको अपना स्टेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन चेंज करने की नहीं जरूरत। जिस पोजीशन में व्यक्ति है उसी पोजीशन में रहकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस महामंत्र का चैंटिंग करना शुरू करता है, तो ये जो इतना चंचल और प्रमथ मन है ना, दो दिया है ना, चंचल और उत्क्रंशल। उत्क्रंशल मतलब चंचल है और एक जगह टिकता नहीं है, अस्थिर। ये दो दो बताया है मन का विचलन, ये दोनों कंट्रोल में आने लगे। समझ में आया? तो ये अर्जुन का ये प्रश्न है। तो अर्जुन का प्रश्न सुन के देखिए भगवान क्या कहते हैं, है ना। आइए देखते 35। श्री भगवान उवाच, क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं, हाँ भाई प्रॉब्लम बिल्कुल है, प्रॉब्लम है, हाँ इसका ये सलूशन है, ये सलूशन है, ये सलूशन है। लेकिन भगवान जब अर्जुन का प्रॉब्लम सुनते तो क्या बोलते हैं, दिस इज वेरी उपादेय फॉर अस ऑल्सो, मतलब हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है कि अगर कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है तो कैसे सुनना चाहिए, एंड हाउ टू रिएक्ट, रिएक्ट कैसे करना चाहिए। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं श्लोक, इट्स अ रियली यूनिक, जब मैंने इसको पढ़ा था तो इसमें बड़ा ही यूनिक तरीका भगवान ने बताया, है ना। देखिए आप लोगों को शायद यूनिक लगे। श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गुह्यते। क्या बोल रहे हैं भगवान, हे महाबाहु कुंती पुत्र, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, महाबाहु, यानी यहीं से समझ जाएगा अर्जुन तुम कह रहे हो कि नहीं कर पाओगे, बट यू आर महाबाहु, यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द स्ट्रेंथ, है ना, तुम जरूर कर पाओगे। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, यस इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड। सबसे पहले क्या कह रहे हैं भगवान, नहीं नहीं तुमने जो कहा ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते हैं तुम, नहीं भगवान नहीं कह रहे, भगवान दे कह रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल अपना परिस्थिति बता रहे हैं। क्या पहला, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है। अब लास्ट लाइन में भगवान सलूशन दे रहे हैं, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। दो चीज हमें करना है, कंटिन्यूअस अभ्यास करना है और वैराग्य उत्पन्न करना है। ये दो चीज हो जाएगी तो हमारा जो मन है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। यानी अगर भक्ति में हमें सक्सेसफुल होना है, भगवान में अपना मन और चित्त लगाना है, तो क्या दो चीज करनी है, एक तो अभ्यास करना है रोज, और दूसरा विरक्ति, वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। हमें मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में ज्यादा मन नहीं लगना चाहिए। इन दो चीजों के द्वारा
हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम भक्ति कर सकते हैं। क्या क्या चीज फर्स्ट क्या है यमुना? ओके ओके अभ्यास ओके यस गोलोकेश्वरी। सेकंड क्या है? मदजी विरक्ति। विरक्ति, ये दो शब्द याद रखिए, अभ्यास एंड विरक्ति। प्रिया दो क्या प्रोसेस है, दो चीज क्या बताई गई है? माता जी कंटिन्यूस प्रैक्टिस और वैराग्य। वैराग्य, वेरी गुड। यस नरसिंह स्तुति माता जी। अभ्यास और विरक्ति। अभ्यास एंड विरक्ति, दिस इज अवर आंसर। किसी भी सिचुएशन का ये आंसर है। माला नहीं हो पा रही है, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, हम जप नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी भक्ति प्रोसेस, नाम नहीं जा पा रहे, प्योर एसोसिएशन नहीं कर पा रहे, कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सबका आंसर क्या है? अभ्यास और विरक्ति, है ना। और फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कहिए नो नो ऐसा नहीं ऐसा है, तो फर्स्ट यू हैव से नो। तो नो से उस व्यक्ति को क्या जाता है कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग माय पॉइंट। मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में नहीं होता तो हमेशा वो चाहता है कि उसकी बात को अहमियत दी जाए। ये तो साइकोलॉजिकल, देखिए भगवान जब प्रस्तुत करते हैं कोई भी चीज तो बहुत साइकोलॉजिकली प्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप उसको पहले ही नो बोलेंगे तो नाउ ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग, भले वो कितना भी सही हो। तो उसके लिए कैसे बोलना चाहिए, उसकी हाफ बात को यस कहना चाहिए, हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, हाँ अर्जुन तुमने जो कहा कि मन चंचल है बिल्कुल ठीक है, तो कहता है हाँ भैया एकदम कृष्णा समझ रहे हैं हमारी बात, लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमें सुबह उठना ही चाहिए, सतगुण में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, पहले नो बोलते हैं, है ना। तो ये आप किसी भी अच्छे अच्छे आप प्रवक्ता को देखिए, जो वैष्णव भक्त हैं, वो कभी आपको ऐसे बात करते हैं, पहले आपको सुनते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, धीरे धीरे भक्तों के साथ रह के कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए ये बोलते ना, धीरे धीरे भक्तों का एसोसिएशन कीजिए, धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, फर्क है ना और लोगों से बोलने में। ये जो आंसर था इट इज रियली वेरी वेरी एडमायरिंग फॉर मी। देखिए पूरी फिलोसफी साइकोलॉजिस्ट जो है वो यही सर्च कर रहे होते हैं, अगर ये श्लोका पढ़ ले तो कोई दिक्कत है ना। यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हटीले मन को, किंतु साथ ही सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा संभव है। ये अभ्यास क्या है कि वर्तमान युग में तीर्थयात्रा करना, परमात्मा का ध्यान करना, मन इंद्रियों का निग्रह करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, एकाग्र वाच का कठोर विधि विधान का पालन कर पाना संभव नहीं है। सब करना इतना ईजी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कृष्ण भावना मित का अभ्यास करने से नव भक्ति का आचरण करता है, तो भक्ति का प्रथम गणकिश के विषय में श्रवण कर, जैसे ये सब तो नहीं कर सकता लेकिन श्रवण कीर्तन और स्मरण तो कर सकता है ना, कुछ सुन तो सकता है ना, है ना। तो श्रवण हो गया, जैसे अभी आप लोग भगवद गीता सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये भक्ति है, ठीक है ना, भगवान के बारे में कुछ कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या है ये भक्ति है, ये इजी है ना। जैसे अभी आपको इस कॉन में हम बोले कि चलो ना बहुत अच्छा फेस्टिवल होने जा रहा है, कौन मना करने वाला है अगर टाइम है तो किसको भगवान के दर्शन नहीं अच्छे लगेंगे राधा गोविंद के, हाथ उठाओ भाई, कोई है ऐसा? कोई नहीं, हमेशा मन करेगा, सुबह भी गए तो शाम को कोई चल रहा हो बोलेगा चलो यार चलो चलते हैं, दिन भर कोई कितनी बार ले जाए ठाकुर जी के दर्शन करने को हम तैयार होंगे है? अगर वापस टाइम है तो फिर हम बोलेंगे अरे बहुत सुंदर फेस्टिवल बनाया, उस पर फिर गुलाब जामुन बड़े गर्मा गर्म बने, कौन नहीं खाएगा। इट इज डिफिकल्ट प्रिया फॉर यू ना टू टेक गुलाब जामुन, यस प्रिया? नो माता जी, आई वुड लव टू टेक। यू लव टू टेक, ओके, एनी टाइम, नो बिजी, ओके, करी नहीं, हम कभी बिजी नहीं रहेंगे, हम कभी भी खा सकते हैं, है ना। अभी घूमने को कह दिया जाए, धाम यात्रा,
तो गोलोकेश्वरी यमुना तो दोनों हाथ से पहुंच जाएंगी सब क्लास छोड़ के, है ना, उड़ के पहुंच जाएंगी। वृंदावन धाम जाना हो, मायापुर जाना हो, है ना, बरसाने जाना हो, तभी उल्टी आ रही, चक्कर आ रहा, सब खत्म हो जाएगा, नींद वगैरह सब गायब हो जाएगी, और ये दोनों सबसे पहले पहुंची होंगी धाम। अभी तो गई थी अगले हफ्ते, तो अगला हफ्ता गए थे ना, फिर से चले जाएंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे। हाँ, अब भगवान जी की मार्केटिंग करनी हो तो नरसिंह की स्तुति क्या करेंगी, मना कर देंगी ना मान जी, थके हुए नहीं नहीं फिर पहुंच जाएंगे मुझे, ठीक है मार्केटिंग करके आगे सो लेंगे, माइग्रेन की दवा करते। तो भक्ति का जो प्रोसेस है वो इतना इजी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। किस प्रोसेस से? बाकी अदर प्रोसेस से, श्रवण करना, सुनना, स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, कीर्तन करना, है ना, ये सब इतना इजी प्रोसेस है कि कोई हमेशा कर सकता है ना। तो इसलिए इट इज पॉसिबल कि इस प्रोसेस को अपना कर हम बहुत इजीली अपना जो मन है, जो चंचल मन है, वो भी कंट्रोल में आ जाए, है ना, उसको ज्यादा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़े। और हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि ये मन को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में बीज मंत्र है और साथ में भगवान और भगवान की शक्ति दोनों है। इट इज ओनली मंत्र इन कलयुगा जिसमें भगवान और भगवान की एनर्जी दोनों को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में बताते हैं, भगवान कृष्ण के कार्यकल्प का श्रवण उन्नत मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त तथ्य है। इंग्लिश में पढ़ो प्रिया ये लास्ट लाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Hearing of the transcendental activities of the Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the foodstuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. Yehi upchar ki vidhi. This is the treatment of Krishna consciousness. Do upchar hai. Kya kya hai? Bhagwan ke liye prasad grahan karna, jo ki bahut mushkil hai, hai na? Nahi, mushkil nahi. गोलोकेश्वरी मुश्किल नहीं, आज वैसे मंचूरियन बना था फ्राइड राइस के साथ, ये सब तो खाएंगे माता जी, खाएंगे हम लोग, तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ऐसे ही था कुछ। माता जी तो फिर हम ये सैटरडे छोड़ देंगे, इस सैटरडे आ जाते हैं। मंचूरियन तो अभी मिल रही थी ना, मंचूरियन तभी मिल रहा था, तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि भोजन ग्रहण करना और मन को कंट्रोल करने के लिए और भगवान के बारे में सुनना, है ना। अभी जो हम लोग बातें सुन रहे हैं क्या ये बोरिंग है? नहीं है ना, कितनी अच्छी है। तो उपयुक्त तथ्य है और ये उपचार कृष्ण भावना वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो उपचार, और दोनों कितना इजी है। तो प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, पहले देखिए प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है ना, कितना उत्कृष्ट है, फिर बता रहे भगवान के सोल्यूशन के साथ एक और सोल्यूशन बता रहे कि अभ्यास का क्या मतलब है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस को करना। अब वैराग्य का क्या मतलब है, भगवान में आसक्ति हो जाना यही वैराग्य है। तो ये दोनों प्रोसेस हमारे लिए बहुत इजी है। तो ये करने से क्या हो जाता है, हमारा मन जो है वो भगवान में लग जाएगा, चंचल मन जो है वो स्थिर भी हो जाएगा और लग भी जाएगा, हमारे अंदर वैराग्य भी आ जाएगा। तो श्री प्रभुपाद की ये खूबी है। देखिए ये पढ़ने के बाद हमारे पास कोई दिक्कत हो रही है हमें, शायद ऑप्शन भगवान अभी नेक्स्ट स्टेप्स में बताएं, अगले श्लोकास में बताएं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में ही ये बता दिया। तो दिस इज द क्या बोलते हैं, मुझे ये जो शैली है श्रील प्रभुपाद की बहुत पसंद है, कि श्रील प्रभुपाद केवल हंगामा क्रिएट करके लोगों को छोड़ नहीं देते ताकि उनकी बुक सेलिंग बढ़ जाए या उनका जो एक वर्चस्व है वो स्थापित हो जाए, नहीं, श्रील प्रभुपाद का मकसद है कंपैशन। श्रील प्रभुपाद क्या कंपैशन है, वो पहले जागृत करना चाहते हैं जीव को कि हम किस स्टेज में हैं जरा देखें, और फिर हम अपने जो डेंजर के स्टेज है उसको समझें और उसके बाद निकलने का भी उपाय हमें बता दें, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। तो जब हम श्रील प्रभुपाद को पढ़ते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, ठीक है। तो आज हमने 35 तक कंप्लीट किया, श्लोका नंबर 33, 34, 35 तीन श्लोका हमने पढ़े,
उसमें हमने देखा अर्जुन का प्रश्न होता है, क्योंकि अर्जुन जो है वो कहता है कि चंचल मन होने के कारण भगवान हम इसको नियंत्रण में नहीं कर सकते, आप मुझे वायु को नियंत्रण में करने के लिए कहिए, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को जो आप योगा सिस्टम के थ्रू करने के लिए कह रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट पाथ है, बिल्कुल नहीं कह सकता। तो भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, चंचल मन है लेकिन उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने देखा हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, कैसे अगर कोई व्यक्ति कंडीशन स्टेज में है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हाउ ऑथराइज्ड पर्सन हैव टू रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करना है, हमको पहले नो नहीं बोलना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा मिंगल करके फिर एक जस्ट बोल देना है, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और हर का सलूशन, आपके पास कोई सलूशन नहीं है तो आप केवल क्या बता सकते हैं, यस बाय प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के थ्रू हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी भक्ति योग कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हमारे अंदर हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। तो ये सब ऑथेंटिसिटी है जिसको हमने आज देखा। आज का संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आई होप ये इजी था, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी को और भक्तवृंद की जय, निताई गौर परमानंदे हरि हरि। स्टॉप द राइटिंग।